नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दरभंगा की कुछ खास खबरों के साथ। पुलिस थाना बांद्री के मैदान में चल रही भागवत कथा में शनिवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास के पंचम दिवस नवीन बिहारी जी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा का जीवंत प्रस्तुतिकरण पात्रों के साथ किया गया। वसुदेव बाल श्री कृष्ण को अपनी टोकरी में रखकर निशांत मिश्रा एवं उधम सिंह ठाकुर, शैलेंद्र, ब्रजेश, अवधेश अपने परिवार सहित कथा स्थल तक गाजे बाजे के साथ पहुंचे, जिसमें श्री कृष्ण जन्मे। आधी रात भादों की रतिया एवं नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे और राधे राधे जयकारों से परिसर गूंज उठा। जब कृष्ण को सुसज्जित टोकनी में जैसे ही उठाया, दर्शक महिलाएं नृत्य करने लगी। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भक्तों ने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया, साथ ही मंगल गीत गाकर नृत्य भी किया। श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी अलौकिक लीलाओं से सबको चकित कर दिया था। माँ की ममता कोई मूल्य नहीं है, माँ की ममता में वह ताकत है जिसके सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ा। इसीलिए माँ यशोदा नटखट कान्हा को छड़ी पीटती थी और भगवान पीटते थे। कथा में सैकड़ों की संख्या में नगर वासियों ने कथा का श्रवण किया। बांद्री से आनंद रजक की रिपोर्ट। सुग्रीव की मित्रता पड़ी हुई है मानव में, अपन उन्हें कृष्ण की प्रतिज्ञा पड़ी हुई है, महाभारत भी पढ़ाई जाती है, अपन रामायण भी पढ़ाई जाती, मानो आज सब स्कूलों की किताबों में से वो गायब हो। अपन हमारे संग के पढ़ने वाले होंगे भैया रहे हो, सब पता हुई है, अपन उन्होंने स्कूल में गा गणेश को पढ़ो, अब गा गमला को और गा गधा को।